अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो सैरीज के जायके में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है। आज देखिए सैरीज के जायके में क्या है। आज ही सैरीज के जायके में चटकारा चिकन है, और ये चिकन बहुत ही बड़ी बेस्ट रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसलिए आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हमने चिकन ले लिया हुआ है। चिकन में हमने जो है ये नींबू का रस डाल दिया है, एक नींबू का रस हमने डाला है इसमें, और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया। देखो तो 1.5 चम्मच हमने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। अब हमने इसमें नमक भी डाल दिया है, एक चम्मच से हल्का ही ये नमक है। अब इसे हम मैरिनेट करके रख देंगे। तो आधे घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे। तो देखिए ये जो है आधे घंटे के लिए हमने रखा था, इसे छोड़ दिया था। तो ये चिकन में जो है पानी निकला, हम इसे जो है रिमूव कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम मसाले ले लेंगे। धनिया पाउडर हमने देखिए इसमें डाल दिया है। अब ये जो है तीखी हुई लाल मिर्च हमने डाल दी है, लाल मिर्च पाउडर। और ये तंदूरी जो है चिकन तंदूरी मसाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे हम इसमें, वो भी चला गया इसमें। देखिए आप चिकन चाहे बोनलेस ले लें और चाहे हड्डी वाला ले लें, कोई मसला नहीं है। आप शादियों पर खाते हैं, आप देखते हैं कि हाँ शादियों पर जो चिकन बनता है तो वो बोनलेस नहीं होता है, और जो है हड्डी वाला ही चिकन होता है। तो आप जो है कोई भी चिकन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर हमने देखिए डाल दिया है इसमें, तो 2.5 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर चला गया इसमें। देखिए कसूरी मेथी थोड़ी सी हमने इसमें शामिल कर दी है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए तो आप चिकन फ्राई करते हैं, अगर आपका ये चिकन से मसाला छूट जाता है, हट जाता है, तो फ्रेंड्स ये वाली रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर एक अंडा भी देखिए इसमें जाएगा, तो ये एक अंडा इसमें चला गया। अब हमने कुटी हुई काली मिर्च ले ली है, पाउडर नहीं लिया है, कुटी हुई काली मिर्च ली है, और ये लाल वाली भी कुटी हुई मिर्चें ले ली हमने। ये फ्राई चिकन जब तक के चटपटा ना हो तो मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए इसमें हमने जो है सभी मिर्चें डाली हैं। थोड़ा सा हमने इसमें देखिए फूड कलर शामिल कर दिया इसमें कलर लाने के लिए। ये जो है आप की मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इन सबको हम अच्छी तरह से मिला करके रख देंगे। आपके पास जितना वक्त है उतने वक्त के लिए रख दें, तो कम से कम जो है 1 घंटा तो ज़रूर रख दें। तो ये 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। देखिए तो अब इसमें 1 चम्मच हम फिर से कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और मिलाएंगे। अगर हमें लगेगा ज़रूरत तो हम आधा 1 चम्मच और डालेंगे। यहाँ पर हमने तेल देखिए रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चिकन फ्राई कर लेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पर आप इसे जो फ्राई करें। तेल का टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, तभी आपके चिकन बढ़िया जो फ्राई होकर निकलेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही यूज़फुल रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि जो है ये रेसिपी आप लोगों को जो है एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप चिकन फ्राई करते हैं घर पर और आपका भी मसाला छूट जाता है, हट जाता है, तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर देखिए एक बार। इंशाल्लाह देख रहे हैं आप खुद देखिए कि हाँ कहीं से भी चिकन पर से मसाला नहीं हटा है, और अच्छी तरह से मसाला इस पर जो है कोटेड है, और अच्छी तरह से मसाला पूरा इसमें लगा हुआ है, बिल्कुल जैसे बाहर मार्केट में चिकन होता है या शादियों में आप खाते हैं। तो फ्रेंड्स वही चिकन की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और आप लोग एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप जो है घर में ये जो है बनाइए, अगर आपके गेस्ट आते हैं तो तब आप ये जो है फ्राई चिकन बना करके रखिए, और बहुत बढ़िया सब तारीफ़ करेंगे आपकी। तो देखिए यहाँ पर चिकन हमने फ्राई कर ली है, तो इसे हम बाहर सब निकाल लेते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलती हूँ, अच्छा बहुत सारी दुआओं के साथ।